हमारे देश की व्यवस्था ने अनाज उगाने वाले किसानों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगा दिया। ये उपलब्धि नहीं है हमारी, कर दो उसको 300, मत दो अनाज हमको। माइंड गेम, कार्ल मार्क्स ने जो बोला था, देखिए कार्ल मार्क्स जो थे वो मार्क्सवाद के जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। उन्होंने मजदूरों की बात उठाई की कि किसी भी कारखाने को चलाने वाले मजदूर होते हैं, लेकिन उस कारखाने में सबसे ज्यादा अगर शोषित होते हैं तो मजदूर होते हैं। उन्होंने भारत की दुर्दशा पे कहा था कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में, भारत सूती वस्त्र का उद्योग का केंद्र था, सूती वस्त्र के घर में अंग्रेजों ने सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया। किसने बोला था? कार्ल मार्क्स। अब भारत में ही देखिए ना, किसानों को भी राशन के दुकान पे लाइन लगा दिया गया, 5 किलो राशन। आप कभी सोचें, पढ़े लिखे हो के सोच के देखिए, राशन कार्ड पे कितना किलो मिलता है? प्रति व्यक्ति 5 किलो, प्रति व्यक्ति 5 किलो, किसान भी लाइन में लग गया। आप सोच सकते हैं, ये वैसा ही है जैसे शिक्षक भी बैठ के क्लास करे। ये उपलब्धि नहीं है हमारी, ये हमारी दुर्दशा है। लेकिन हर सरकार इसे उपलब्धि के तौर पे गिनाती है। मनमोहन सिंह का ये आखिरी पारित विधेयक था, खाद्य सुरक्षा बिल 2013 में आखिरी बार उन्होंने आखिरी पारित विधेयक था, उसके बाद चुनाव हुआ, मनमोहन सिंह चले गए। उसी विधेयक के तहत अभी भी मिलता है किसी को 5 किलो। ये हमारी उपलब्धि नहीं है। एक किसान जो पूरी हिंदुस्तान का अनाज पेट भर रहा है, वो भी राशन के दुकान पर लाइन में है। समझा भैया, 1600 रुपया फॉस्फोरस चल रहा है DAP, कर दो उसको 300, मत दो अनाज हमको। यूरिया चल रहा है 400-500, पोटास चल रहा है और मैं 700-800 के आसपास चल रहा है वहाँ पे। क्या मतलब बनता है यहाँ पे, इधर से नहीं तो उधर से। भाई अनाज के जगह 5-5 किलो यूरिया बांट दो ना, प्रति व्यक्ति 5-5 किलो क्या बांट दो यूरिया, अनाज रहने दो हमको, अनाज किसान उगाड़ लेगा। अरे बंजर जमीन की छाती चीर के किसान अनाज उगा लेता है, उसको दीजिए ना आप DAP, प्रति व्यक्ति 1-1 किलो दे दो, बेचारा का कुछ तो बोझ हल्का होगा, नहीं समझे? तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था, अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया। अभी समझ में आ रहा है, कार्ल मार्क्स ने जो बोला था अभी भी वही होता है। हमारे देश की व्यवस्था ने अनाज उगाने वाले किसानों को अनाज के 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगा दिया। वो अनाज के लिए नहीं जाता, कहता जोने एकरे बेच के तो इनसे पैसा आ जाएगा। उसको अनाज का कौन सी घटल है, किसी किसान के यहाँ जाइएगा 2 किलो गेहूँ ऐसे ही दे देता है, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। सब्जी मंडी में आप आलू खरीदिएगा तो तौल के देगा, किसी किसान से खरीदिएगा तो ऐसे मुट्ठी में उठा के दे देगा, अच्छा जा बाबू ले जा। उससे बड़ा दिल किसी का नहीं होता है। वही एक ऐसा पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे पृथ्वी पर वही एक ऐसा दिलेर है जो पूरी कमाई खुले आसमान में छोड़ के आता है और चैन की नींद सोता है। किसी का यहाँ रूम खुले रह जाता है तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, अरे बाप रे बाप हमारा रूम वहाँ खुले है रे, कब सर छोड़ेंगे क्लास, वहाँ और न तो घींच रहे हैं क्लास, वहाँ भगवान तो नहीं जल्दी छोड़वा देगा, रूम वहाँ खुले है। सोचे हो कभी किसान का? आगे बढ़े तो आप लोग आवाज बोलिए सरकार से, महाराज जी हमको यूरिया DAP या पोटास दे दीजिए, 1 किलो यूरिया 5-5 किलो DAP दे दो भैया, बाकी यूरिया पोटास हम लोग इंतजाम कर लेंगे। कहे जी DAP तो नहीं ज्यादा महंगा है, अच्छा है मत दो सस्ता कर दो, नहीं समझ में? लेकिन माइंड गेम, हम उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, आज गूगल के हैं। उस समय बांध के गुलाम रखा जाता, आज पैसों पर रखा जाता है। 2 मिनट में गूगल हैकड़ी बंद कर देगा, जीमेल गया, एंड्रॉइड खत्म। आप जो मोबाइल चलाते हैं ना वो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड गूगल का है। 2 मिनट में कायदा कानून एगो नहीं कौन डायलॉग मारता है, हमारा नाम दरोगा मंगनी राम है, 2 मिनट में कायदा कानून अंदर कर देंगे। हाँ गंगा जल में करता है मंगनी राम, होता है कभी कभी। सर आप बोलिए, हमारा बोलने पर ना जानते क्या कहेगा साहब, पढ़ा रहे हैं पढ़ाइए, खेती उती मत कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कार्ल मार्क्स ने बोला था, समझ में आ गया?